नेकी समझकर खिदमत खल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। नाजरीन आप यकीन करें, हर तरफ जंगल, अल्लाह को पाक को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ, हर तरफ जंगल, ना कोई स्कूल ना कोई हॉस्पिटल, 25-25, 20-20 किलोमीटर रेगिस्तान जंगल। जमीन जितना बैठे हो तो आड़ी नहीं कहीं बैठे। ओए ना, सरकारी जमीन है, सरकारी जी आए सरकारी है, सारी जमीन कहीं नहीं, अस्सा ही में है। तो तुम्हारा एक ही भाई है, वो क्या मजदूरी करता है? कई का नहीं, मैं कई का रहने तो बस ये आटे पूरा थी सौ देते हैं, भी कशा का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नाजरीन, वीडियो बनाने में आई हूँ, मेरी टांगें, मेरा जिस्म, मेरा वजूद एक रोंटा खड़ा हो रहा है, एक रोंटा जा रहा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, हर तरफ ये जंगल ही जंगल है। सुबह सिंध के पास मैं मौजूद हूँ, सिंध के पास डेरा इस्माइल खान के पास ये जगह है, ये आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं। नीचे नीचे की तरफ ये हर तरफ जंगल ही जंगल है, कोई आबादी ना इंसान ना इंसान की जात, हर तरफ देहात ही देहात है। ये दो बच्चियां मुझे मिली हैं कि सर पे थोड़ी सी लकड़ियां उठाई हुई थी और जंगल के बीचों बीच से आ रही थी। मैंने पूछा कि बेटा क्या कर रही हो, क्या कल? कहती है अल्लाह वास्ते एक दफा साढ़े घर चलो, एक बार हमारे घर चले, हमारे घर के हालात देखें किस तरह यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। इनको पता है, अल्लाह को पता है, ये इनको पता है जंगलों में अगर अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो जाए, दिन दिहाड़े कोई मर जाए या किसी को कुछ, अरे बंदा यहाँ कोई हॉस्पिटल, यहाँ कोई सरकारी अस्पताल, यहाँ कुछ भी नहीं है। आए इस बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा तेरा? मिसबा। मिसबा, मिसबा क्या कर रही है, क्या उठा के लेके आ रही थी? काठी। काठी, इसका क्या करोगी? असा गरीब है, चैन आए वाला रोटी खाने आए, तेरे एक दफा घर चलो, सब बहुत गरीब है। आए आपके घर चलते हैं, आए नाजरीन इन बच्ची के घर चलते हैं। मैं आपको इनके घर के मंजर की मैं आंखों के सामने सारे मंजर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये लोग सर्वाइव करते हैं। बेटा उठाओ इसे, आओ चलें घर। नाजरीन पहुंच चुकी हूँ, बाजी मुझे अपने घर ले आई है। आप यकीन करें, इस तरफ ये कैमरा मैन दिखा सकते हैं, लोगों के रेड़े खड़े हुए हैं, हर चीज खड़ी हुई है, क्योंकि तीन चार फैमिलियां बीच में और हर फैमिली का अपना अपना एक होता है, निज़ाम होता है। देहात में दीवारें नहीं होती, कच्चे मकान होते हैं, ये कच्चा मकान इनके पीछे। आए अम्मा जी आप, मैं धूप पे नहीं बैठ सकती आज, है पता नहीं आप कैसे कर रहे हैं। नाजरीन कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं ये मनाजर इनके घर के, बैठे ये इनके, ये आपका घर है जी? आए तो बहु अम्मा बहु बहु तुसी बहु बहु बैठो बेटा, बैठे आप बैठे। नाजरीन पहुंच चुके अम्मा जी के घर और इतनी सर्दी है पाकिस्तान में, फिर भी मुझे सिंध में इतनी गर्मी लग रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। सिंध के पास डेरा गाजी खान उसके पास में आई हुई हूँ। ये पसमंदा इलाकों में गरीब लोग हैं, शदीद गरीब लोग हैं। ये बच्ची पता नहीं किस तरह से जंगलों में से लकड़ियां इकट्ठी करके आ रही थी, वो आग जला के रोटी खाएंगे, उसके साथ ये गुजारा करेंगे। आए नाजरीन इनकी अम्मी से बात करते हैं, वो बेचारे हैं तो सीधे साधे से लोग, पूछू क्या जवाब क्या देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बाजी तुम्हारा? खालदा बीबी जी। कितने बाल हैं बच्चे तुम्हारे ने? त्रे निक्किया ने, एक निक्का है। तीन बेटियां एक बेटा है? जी जी। थोड़ा शोर क्या कम कर दे? शोर या बस मेहनत मजदूरी करता है जी, मेहनत मजदूरी करता है वाला। ये जई है मकान वाला, ये कहनी जमीन कहनी काखा असाता शादियां करनियां निके न्या, असा काखा है, गरीब लोग है, सुन्ने लोग है, कशा का शादी करनी है जी? हां बेटियों की शादी करनी है, निकी की शादी करनी है, सारे बाल ने करने है, गरीब है काका है कशे का है। शादी करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है जी? गरीब है।
सुनिए लोग है कशा का नहीं बेजमीन है सरकारी जमीन है जी आए सरकारी है सारी जमीन का नहीं असा इवे है कदे कोई हुकूमत कोई मदद करना कशे ही का नहीं करे दे इना ने पढ़ाया क्यों नहीं तुसी इना नु स्कूल ते आसपास कोई नहीं दिहात स्कूल ही कहनी स्कूल कुरान से पढ़ाया स्कूल कहां से पढ़ाया सो पढ़ाया कहां से कुरान पढ़ा स्कूल का गरीब लोग है कशे होवे तो पढ़ाऊं। नाजरीन आप यकीन करें हर तरफ जंगल अल्लाह को पाक को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ हर तरफ जंगल ना कोई स्कूल ना कोई हॉस्पिटल 25-25, 20-20 किलोमीटर रेगिस्तान जंगल कोई स्कूल नहीं कोई इदारा नहीं कोई लोग नहीं कि ये लोग बच्चियां मासूम कहाँ जाएंगी। मस्जिद पड़ी हुई है कुरान पाक इन्होंने शहर के मुंह नहीं देखे इन्होंने देहात के अंदर जिंदगी गुजारी दो वक्त क्या एक वक्त रोटी खाने से कासिर है। आए इस बच्ची से पूछते हैं बेटा ये बताओ तुम ये तुम लोगों की कोई मदद करने यहाँ पे नहीं आता कहना कोई नहीं आता कोई नहीं आता ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारा फर्ज टालना है तो तुम्हारा एक ही भाई है वो क्या मजदूरी करता है कई का नहीं मैं कई कर तो बस ये आटे पूरा थी सौ देते हैं भी कशा का नहीं और तुसा तुसा इन्हें शादी करानी है शादी करनी से गरीब है कशा का नहीं सुनिए लोग नाजरीन ना कोई आप कोई हुनर नहीं सीखी कोई हुनर नहीं है आपके कोई सीखे बस ये मेरी गुजारिश है नमाज पढ़ा करो कुरान पढ़ा करो ठीक है पांच वक्त नमाज पढ़ा करो अल्लाह पाक वसीले खुद बनाता है ठीक है बेटा आपने भी सुनना है। नाजरीन उन्हें अपनी बच्ची का फर्ज उठाना है लेकिन इनके पास अखराजात नहीं है वो कहती हैं देहात है हमारे पास एक रुपया नहीं है हम क्या करें गुर्बत में बैठे और अल्लाह गवाह देहातों के अंदर बंजर जमीन है ये भी सरकारी जमीन पर बैठे इनकी नहीं है। खुदा के लिए ऐसे लोगों का आसरा बने वीडियो को शेयर करें चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि कोई नेक बहन भाई थोड़ी बहुत इनकी इमदाद करे अपनी बेटी का फर्ज डाल सके अल्लाह ने के बाद।